हाय एवरीवन नमस्ते केम छो राधे राधे अस्सलाम वालेकुम जय हिंद सो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान है तो इसी सेशन को स्टार्ट करते हैं मंथली एपिसोड ऑफ ऑगस्ट एंड सितंबर 2023 जीके एंड करंट अफेयर्स आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मैं आपको एक बार बता दूं ये सेशन किन किन एग्जाम एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपका सीयूटी यूजी सीयूटी पीजी आपके अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथ ही साथ वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एस एस सी एम टी एस 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 सी सी एच एस एल आई बी पी एस क्लर्क तो जो आपके ये वन डे वाले एग्जामिनेशन हैं उसमें उसके लिए भी ये सेशन बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है तो ये जो मंथली करंट अफेयर्स है ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर का उसको धुआधार तरीके से स्टार्ट करेंगे उससे पहले गुजारिश है सभी लोगों से एक बार फटाफट फड़ से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सी टी अटर ट्वेंटी फोर सेवन को तो फटाफट -फड़ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा सो लेट स्टार्ट दी सेशन ऑफ टुडे राधे राधे एवरीवन गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू प्रेजेंट इन दिस सेशन मुझे सबके कॉमेंट्स दिखाई दे रहे हैं एंड ऑल्सो जो लाइव हैं और बाद में जो तीन चार महीने बाद रिकॉर्डेड भी देखेंगे उनके लिए भी मेरा नमस्ते सत्यकाल डेली सी यू टी ट्वेंटी फोर सेवन पर मेरी क्लास होती है डेली करंट अफेयर्स की फ्रॉम मंडे टू सैटरडे होती है सुबह आठ बजे तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा और डेली करंट अफेयर्स सेशन और जी uh, के सेशन देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है ओके okay, तो ये जो जी के करंट अफेयर्स का एक सब्जेक्ट है uh, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज डेली करंट अफेयर्स चेंज हो रही हैं और डेली कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज में एड ऑन uh, हो रहा है जैसे अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हौसला और साथ ही साथ आपका शांति निकेतन इंक्लूड किया गया फोर्टी एंड फोर्टी सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट साथ ही साथ यहाँ पे अभी जी ऑब्जर्व किया जी uh, ऑब्जर्व किया गया जी ऑब्जर्व किया गया आशियन समिट ऑब्जर्व आशियन यू नो गेम्स एशियन गेम्स ऑब्जर्व किया गया ब्रिक्स समिट ऑब्जर्व की गई चंद्रयान थ्री गया आदित्य गया ठीक है आदित्य एलेवन चला गया है ना तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यू नो जो जनरल स्टैटिक्स uh, यहाँ पे टॉपिक्स बनते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है तो इसीलिए गुजारिश है सभी लोगों से कि डेली सेशन देखना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सभी को मेरा नमस्ते लेट स्टार्ट सेशन ऑफ टुडे सो ये जो सेशन है मंथली करंट अफेयर्स गाइस यहां पर हम अगस्त एंड सितंबर 2023 की ओवरऑल करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं इसके साथ ही साथ जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यू नो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे जी सेवेंटी सेवन जी एशियन गेम्स ब्रिक्स समिट चंद्रयान और भी बहुत कुछ आज के सेशन में हम कवर करेंगे ठीक है तो ये डिटेल में कवर करेंगे बाकी आपका आज के सेशन में एमसीक्यू सेशन रहेगा एमसीक्यू सेशन के साथ साथ्यू uh, uh, you know, uh, और यहां पर हम करेंगे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे 2023 तो ये सेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए okay. so, says, हमारा दिल क्या कहता है देखो क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे जब हम लाइफ में एक एम बनाते हैं हमको यह लक्ष्य पाना ही पाना है तो ये जो एम है ना ये हमारे रोम रोम में फैल जाता है जब हम इस पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारे कुछ एनवायरमेंट में लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग हमसे अलग होती है ठीक है और वो हमें अपनी थिंकिंग बताते हैं कि नहीं ये ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए तो लेकिन हमेशा याद रखो सुनो सबकी करो अपने मन की ठीक है जो तुम्हें सही लगता है तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम यूनिक हो तुम्हारे लिए क्या सही है वो सिर्फ तुम्हें पता है इसीलिए तुम अपने हिसाब से चलो एंड डेफिनेटली एक गाइडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो अगर किसी एम के लिए तुमने ठान ली है ना तो उस एम के लिए अपने आप को यू नो पूरा जागृत कर लो कि नहीं करना है और साथ ही उस आ, जो आपका पर्टिकुलर जो उस एम के लिए आपको गाइड कर रहा है उसकी बात मानो और अपना हार्डवर्क से कंसिस्टेंसी से ठीक है आपका डेडिकेशन डिटर्मिनेशन बिलीफ से क्योंकि भगवान देख रहा है इसलिए इसी के साथ यू नो you know, आगे बढ़ो एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस आगे बढ़ते हैं

तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या मैम जीके करंट अफेयर्स के लिए हमें न्यूजपेपर पढ़ने की जरूरत है बेटा क्यों ट टू रीड न्यूज पेपर जब आपको आपकी वैशाली मैम पूरा कंपाइल करके हर एक चीज डिफरेंट डिफरेंट न्यूज पेपर से दे, दे रही है तो आप, आप वहां पर क्यों करेंगे आप बाकी का टाइम अदर सब्जेक्ट में लगा दीजिए लेकिन जीके करंट अफेयर का सेक्शन है वो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर निर्भर हो जाइए एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको यहां पर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है जीएसबी इंक्लूड हुआ है जनरल साइंस जनरल स्टडीज के कुछ चैप्टर्स है जो यहां पर इंक्लूड किए गए हैं तो वो

इंपॉर्टेंट डिटेल टॉपिक्स ठीक है अब इस इंपॉर्टेंट डिटेल टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं जी सेवेंटी सेवन जी ट्वेंटी देन आपका चंद्रयान चंद्रयान थ्री एशियन गेम्स जो अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है इसके साथ ही साथ ब्रिक्स 2023 और इसके अलावा बहुत कुछ साथ ही साथ इसके बाद हम स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो हम स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज करेंगे जिन्होंने नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा अगर इसको कर लोगे ना तुम्हारा हो जाएगा ठीक है स्टैटिक जीके एमसीक्यूज और चौथी चीज जो हम करने वाले हैं यहां पर हम बजट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे तो ये पूरा कंबाइंड सेशन है इसके अलावा तुमको दो महीने के फिर कोई जरूरत नहीं है देखने की कुछ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट टू तो इस सेशन में बहुत कुछ रहने वाला है ठीक है गाइस देख लीजिएगा आप यहां पर यहां पे एमसीक्यू सेशन करंट अफेयर्स का उसके बाद इंपॉर्टेंट डिटेल वे में हम यहां पे बात करेंगे साथ ही साथ यहां पे जी सेवेंटी सेवन जी ट्वेंटी चंद्रयान थ्री एशियन गेम्स ब्रिक्स टू थाउजेंड ब्रिक्स टू 23 बात करेंगे उसके बाद स्टैटिक जी के एमसीक्यूज और यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे करने वाले हैं तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ठीक है हाँ उसके बाद थोड़ा सा बताना देखो इंट्रोडक्शन अच्छा यार यहाँ पे बोला 15 मिनट्स तो इंट्रोडक्शन में ही लग गए क्यों ध्यान से सुनो एक कहानी बताती हूँ आपको बहुत एक एक मिनट का और समय लूंगी कहानी ये है कि एक बार क्या होता है कि एक आदमी पेड़ काटता रहता है ठीक है दो आदमी रहते हैं दो आदमी रहते हैं और दो आदमी रहते हैं और दो पेड़ रहते हैं तो उसका जो मालिक होता है वो आ, दोनों आदमी को बोलता है कि कौन जल्दी काम खत्म कर सकता है ठीक है नंबर वन और नंबर टू तो दोनों अपने काम में लग जाते हैं जो पहला आदमी रहता है वो पेड़ काटने में लग जाता है है ना पेड़ का उस, उस, उसके पास एक आरी रहती है तो वो पेड़ काटने में लग जाता है लेकिन दूसरा आदमी क्या करता है उसी जिस चीज से जिस उसके औजार जो है उससे वो उसको रगड़ता रहता है थोड़ा सा उसको शार्प करता है और वो दो घंटे तक उसको शार्प करता ही रहता है उसके बाद वो पेड़ काटता है तो तुरंत पेड़ कट जाता है तो उसका काम जल्दी हो जाता है इसीलिए क्या आपको आगे करना है क्या आपको आगे पूरे सेशन में हम कराएंगे उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है है कि नहीं ताकि हमें आने वाले जो पूरा दो घंटा है या ढाई घंटा जितना भी घंटा यहाँ पे लगेगा तो उसमें हम फोकस रहेंगे कि हाँ है हाँ, ये सारी चीजें हैं अभी मैम ये भी कवर करेंगी आगे ठीक है और सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा चलो आगे बढ़ते हैं इसी थॉट के साथ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फड़ uh, राष्ट्रीय फाइनल के दौरान मिस अर्थ इंडिया दो हजार तेईस का किताब किसने जीता है फटाफट फड़ से आंसर करो फटाफट फड़ से पहला क्वेश्चन है डोंट वरी दिस इज दर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे फटाफट से आंसर करिए इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा हम तेजी

इस्लामाबाद पाकिस्तान में अपने उच्च योग में भारत के प्रभारी के रूप में नया नियुक्त व्यक्ति कौन है बताइए अभी हाल ही में इंडिया चार्ज अफेयर्स हाई कमीशन इन इस्लामाबाद में इनको नियुक्त किया गया है आपको फटाफट -फड़ से इसका आंसर बताना है वॉट विल बी दी राइट आंसर गाइज अजय बिंद स्टडी प्रकृति हर्षित ओके okay, बिहारी बाबू वेरी गुड इसका आंसर यहां पर क्या होगा अगेन ए गीतिका श्रीवास्तव वेरी गुड गाइज वेरी गुड गीतिका श्रीवास्तव इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिजाइंड डेस्टिनेशन ऑफ आदित्य एलवन स्पेस क्राफ्ट वट इज द डिजाइन डेस्टिनेशन ऑफ आदित्य एलवन स्पेस क्राफ्ट आदित्य एलवन की बात करें आदित्य एलवन क्या होता है आदित्य एलेवन होता क्या है देखो आदित्य का मतलब सूर्य होता है और एलवन का मतलब होता है लेगरेंज पॉइंट ये एक हमारा सोलर मिशन था हुआ ये था कि यू नो जब अभी हाल ही में चंद्रयान थ्री को भी लॉन्च किया गया था ठीक है तो वहाँ पे पूरा मून का हर चीज़ को यहाँ पे देखने के लिए वैसे ही हमारे सन के एटमॉस्फेयर को सन सन की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए देखने के लिए

ए आई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री समिट फोकस ऑन ए आई का मतलब है तो ग्लोबल 2023 शिखर सम्मेलन किन क्षेत्रों पर केंद्रित होगा बताइए फटाफट से ग्लोबल इंडिया ए आई दैट इज ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो हजार तेईस जो भी हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ है वो किन चीजों पर फोकस्ड हुआ है तो ये आपको आंसर करना है आंसर विल बी यहाँ पे हेल्थ केयर पर फोकस किया गया है गवर्नेंस पर फोकस किया गया है और यहाँ पे जो हमारे ईवी हैं ईवी का मतलब क्या है जो हमारे व्हीकल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपके जैसे आपका अगर आपने देखा हो आ, क्या बोलते हैं टुक टुक बोलते हैं ना वो जो रिक्शा चलाता है रिक्शा को टुक टुक बोलते हैं ना वो हमारे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है ठीक है वो बैटरी से चलता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यहाँ पर फोकस किया गया है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वट इज दी नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड वेन इज दी नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड फटाफट से आंसर करिए वेन इज दी नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है फटाफट पड़ से बताओ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व किया गया है आप सभी को पता है हमारे लेजेंड ऑफ स्पोर्ट्स मेजर ध्यानचंद जी उनके uh, ही बर्थ एनिवर्सरी पर हमने ऑब्जर्व किया है कब ऑब्जर्व किया है आंसर विल य्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट को हमने मनाया है नेशनल स्पोर्ट्स डे क्लियर है चलो फटाफट -फड़ से आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर इन द क्लास सेवेंथ इंग्लिश टेक्स्ट बुक बाय एन अभी हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा कक्षा सातवीं की सातवीं की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में नए शुरू किए गए अध्याय का शीर्षक क्या है टाइटल क्या है जो अभी हाल ही में चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ एनसीआरटी में सेवेंथ के एनसीआरटी में बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बहुत इंपॉर्टेंट है पानी वानी लेकर बैठना सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट और आगे तो सेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा आंसर है विल बी ई होमेज टू आर ब्रेव सोल्जर्स होमेज टू आर ब्रेव सोल्जर्स उत्तर है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइज निरुपम देन राघव अन प्रिया राहुल जयश्री बहुत बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल सही है माए मदर जी बिल्कुल हु हैज अपॉइंटेड एज दी सीई ऑफ वाया 18 एटीन डिजिटल बिजनेस डिविजन वाया के डिजिटल बिजनेस डिवीजन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में यहां पे किसे नामित किया गया है फटाफट से बताओ तुमको पता है आज क्योंकि तीन घंटा मुझे पढ़ाना है तो हम फ्रूटी लेके आए हैं ताकि हमारी एनर्जी जो है बरकरार रहे तो तीन, इस घंटे तीन सेशन के लिए आई हैव आया दिस फ्रूटी ताकि थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे थोड़ी एनर्जी रहेगी और मतलब बहुत उमदा उन, तरीके से सेशन चला जाएगा और तुमको पता है फ्रूटी के साथ साथ ये पानी की बॉटल भी है तो तुम लोग के लिए इतना तैयार होकर हम आए हैं चलो आंसर <laughs> यहां पर क्या होगा फटाफट फड़ से बताओ आंसर या विल बी किरण मानी किरण मानी इज द राइट आंसर तो किरण मानी को यहां पर सीईओ बना दिया गया है आपके वायाकॉम डिजिटल बिजनेस डिविजन का क्लियर एवरी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट फड़ से ओनम आप सभी को पता है ओनम इज अ फेस्टिवल ओनम अ सिग्निफिकेंट कल्चरल सेलिब्रेशन इन केरला ओवर हाउ मेनी डेज फटाफट से बताओ ओनम केरल का जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है ये कितने दिन तक चलता है बताइए यस yes, प्रकृति और अभी हमें बहुत अच्छा करना है बहुत क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा राइट right. इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा योर आंसर हेअर विल बी डी आप सभी को पता है कि ओणम जो है बेटा ओणम एक फेस्टिवल है कहाँ का केरला का तो अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन बन आता है आ, ये हमें हमारा एक टॉपिक है फेस्टिवल है ना हमारा एक टॉपिक क्या है बेटा फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में आ, आपका अक्सर कोई ना कोई फेस्टिवल पूछ लिया जाता है क्योंकि ओणम हमारे एट टू टेन मंथ्स की करंट अफेयर्स के अंदर आ जाएगा तो इसीलिए हम बताएंगे कि ओणम ओणम कहाँ का फेस्टिवल है ओणम इज द फेस्टिवल ऑफ केरला क्लियर एवरीवन और ये कितने दिन तक चलता है ये आपके 10 दिन तक चलता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं हु अमंग दी फॉलोइंग इंडिविजुअल्स हैज बीन रीअपॉइंटेड एज दी डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो यहां पर आपको एसबीआई का डायरेक्टर कौन बना है तो वो आपको बताना है महानिदेशक जिसे बोलते हैं केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किसे किया गया है <clears throat> बताइए सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है सारा सेशन इंपॉर्टेंट है गाइस सारा सेशन सारा सेशन इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर सी यू टी यूजी पी जी अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स अदर वन डे ऑल्सो एग्जाम्स पूरा हमने मतलब समझ लो पैकेज है ये ये सेशन बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा योर आंसर विल बी बी केतन शिवाजी विकम से केतन शिवाजी विकम से ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं वेयर वॉज नमोह वन जीरो एट लोटस वेराइटी डिस्कवर्ड बताइए नमोह एक सौ आठ कमल किस्म का खोज कहाँ की गई थी आप सभी को पता है ये जो 108 है बेटा ये एक यूनिवर्सल नंबर है है ना हम सभी को पता है नाइन इज़ अ यूनिवर्सल नंबर नाइन यूनिवर्सल नंबर है जो कभी भी क्रिएट भी नहीं हो सकता डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता तो वन ज़ीरो एट हम हम अक्सर कभी भी कोई भी ऑस्पिशियस मंत्र पढ़ते हैं जैसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय

ये जो ओम भूर्भुअस्व तत्सवरेणम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात तो ये जो मंत्र है ये बहुत ही ऑस्पिशियस मंत्र है हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक है तो ये हम 108 बार यहाँ पे पढ़ते हैं ठीक है एंड ओके तो एनर्जी अलग हो गई चलो आंसर यहाँ पर क्या होता है आंसर हियर विल बी सी दैट इज मणिपुर आंसर हियर विल बी मणिपुर फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन वाज द टोटल जीएसटी कलेक्शन इन इंडिया फॉर अगस्त 2023 अगस्त 2023 में भारत में कुल जीएसटी संग्रह कितना था फटाफट फड़ से बताइए टेल द राइट आंसर व्हाट विल बी द राइट आंसर मैम एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण कर दो ओम भूर्भुवस्व तत्सवितम भर्गो देवस्य धीमहि हो यो प्रचोदयात् आपका गायत्री मंत्र है ठीक है जो बहुत ही ऑस्पिशियस मंत्र है और फटाफट फड़ से तुम सेशन में आओ ठीक है बताओ जीएसटी कलेक्शन कितना था अगस्त के लिए आंसर हियर विल बी 1.59 ट्रिलियन गाइस इस बार का जो जीएसटी है ना वो 1.59 ट्रिलियन हुआ है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट -फड़ से देखेंगे who emerged victorious in singapore's presidential elections marking the country's first contested presidential polls since 2011 guys this is very important तो यहां पे आपको बताना है सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी हुआ है जो 2011 के बाद देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो क्वेश्चन एंड दिस विल कम इन योर एग्जामिनेशन ठीक है यस पीडीएफ मिल जाएगी कम्युनिटी पर यस yes. चलो आगे बढ़ते हैं आंसर हियर विल बी धर्मन श्याम थर्मन धर्मन श्याम मुगरत्नम ये अभी हाल ही में इनको सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भारी जीत हासिल हुई है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट रेटिंग डिड शांति शक्ति कांता दास रिसीव इन दी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2000 अब आपको एक बात बताते हु इज शक्ति दास शक्ति दास कौन है शक्ति दास एस के डी एसकेडी कौन है बेटा ये जो शक्ति कांता दास है ये गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अगर हम आरबीआई की बात करते हैं ध्यान से सुनो सभी लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बेटा ये फाउंड कब हुआ था ये हुआ था फर्स्ट ऑफ अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था कहां पर हुआ था आप सभी को पता है ये आपके कोलकाता के अंदर हुआ था ठीक है अभी प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मुंबई में आपको मैं एक बात बताती हूँ ठीक है जो लंबी रेस का घोड़ा होते हैं ना और जो लास्ट में जीतता भी है वो वही होता है जो अंत तक बना रहता है ठीक है अगर आपने स्टार्टिंग की बीच में छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं रह जाता लेकिन अगर आप लास्ट तक कर रहे हो उस चीज को उसका बहुत मतलब होता है ठीक है चलो तो इसका आंसर यहां पर आ, ये होगा चलो इसका आंसर विल बी डी दैट इज ए प्लस शक्तिकांता दास के आने के बाद काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी हुआ है हमारी यू uh, नो you know, हम, हमारा जो सेंट्रल बैंक में और आप सभी को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इमोशन हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकिन अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि विच इज दिग्गेस्ट बैंक सॉरी बिगेस्ट नहीं लार्जेस्ट विच इज दार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया तो आप सभी को यू uh, नो you know, यहां पर आंसर टिक करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यू नो कभी कभी लोग आरबीआई कराते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी लार्जेस्ट बैंक नहीं है एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है क्लियर एवरी वन वेरी गुड वेरी गुड गाइड अच्छा मुंबई में और कौन कौन से बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है आपका कौन कौन से बैंक हो गए आपके आईसीआईसीआई बैंक एच डी एफ सी बैंक एस बी आई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यूनियन बैंक तो सबका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में स्थित है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ पेलोड ऑन आदित्य आदित्य एलेवन अभी मैंने बताया एक सोलर मिशन है हमारा इनमें से विच फॉलोइंग पेलोड ऑन आदित्य एलवन एनालाइजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ सोलर विंड पार्टिकल्स इंक्लूडिंग देयर एनर्जी इन चार्ज ये जो हमका आदित्य एलवन है इनमें से कौन सा पेलोड है जो एनालाइज करता है सोलर विंड पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज उसकी एनर्जी और उसका चार्ज मतलब आदित्य एलवन पर निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड उनकी ऊर्जा और चार्ज सहित और सौर पवन करणों के गुणों का विश्लेषण करने पर केंद्रित है फटाफट फड़ से बताओ इसका आंसर क्या होगा योर आंसर हेयर विल बी सी दैट इज एसपेक्स ए एस पीई एक्स क्लियर एवरी वन चलो फटाफट फड़ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट Which payload on Aditya L1 mission designed to image the solar corona in visible light spectrum? Aditya L1 mission पर कौन सा payload दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में सौर कोरोना की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया है बताइए इसका आंसर क्या होगा वेरी गुड इसका आंसर होगा वी ई एल सी ये ऑलरेडी वी हैव डन दिस बट कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इस सेशन में नए भी हो तभी अंत तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल भी होगा और आपको पी डी एफ भी मिलेगा ठीक है चलो वेरी गुड गाइज आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी बिसाइड जी ट्वेंटी मेम्बर कंट्रीज विच कंट्री आर अटेंडिंग दी समिट एज गेस्ट कंट्री आप सभी को पता है अभी हाल ही अभी हाल ही में जी ट्वेंटी ऑब्जर्व किया गया अभी ये अलग से हम आपको टॉपिक ले लेंगे लेकिन जी ट्वेंटी में आप सभी को पता है नाइन मेंबर कंट्रीज 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 इंक्लूडेड हैं हैं तो कौन कौन बता, -फड़ कौन कौन सी सी पार्ट आपको बताइए फटाफट से जो है गेस्ट कंट्रीज के रूप में आने वाली हैं आंसर विल बी बी दैट इज नीदरलैंड ठीक है सिंगापुर है आपका स्पेन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपके सी में आया था ठीक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी पूछी थी उसके बाद ओमान बांग्लादेश इजिप्ट मॉरिशस एंड नाइजीरिया तो ये कुछ कंट्रीज uh, हैं जो आपके जी ट्वेंटी में अभी हाल ही में गेस्ट uh, कंट्रीज के रूप में आई थी क्लियर एवरीवन चलो फटाफट -फड़ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच स्टेट रिकॉर्डेड दाइएस्ट इंक्रीज इन जी एस टी कलेक्शन इन ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विद रिमार्केबल ट्वेंटी थ्री परसेंट ग्रोथ इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा हुआ है मतलब तुम समझ लो ट्वेंटी थ्री परसेंट ग्रोथ हुआ है कौन सा राज्य है वो कौन सा स्टेट है तब भी देखो फोकस करो क्लास पर ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है वेरी गुड एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल आंसर महाराष्ट्र क्या होगा बेटा महाराष्ट्र वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द थीम ऑफ फोर्टी थर्ड आशियान समिट अभी हाल ही में फोर्टी थर्ड आशियान समिट ऑब्जर्व किया गया इस बार के आशियान समिट 2023 का थीम क्या है फटाफट फड़ से बताइए इसका आंसर क्या होगा बताइए वेरी गुड यार वेरी गुड बहुत बढ़िया बताइए वॉइस What will be the right इसका आंसर यहां पर होगा सी आशियन मैटर्स एपी एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ आशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ इज क्वेश्चन देखते हैं विच हिस्टोरिक मिशन डिड एन वालारथी प्रोवाइडेड द काउंट डाउन अनाउंस फॉर ध्यान से सुनिएगा एन वलारमथी ने किस ऐतिहासिक मिशन के लिए उल्टी गिनती की घोषणा की थी वेरी इजी वेरी इजी क्वेश्चन वेरी इजी बताइए आंसर क्या होगा वेरी गुड यार मतलब सो प्राउड ऑफ यू ऑल आंसर विल बी चंद्रयान थ्री ठीक है चंद्रयान चंद्रान्त्री इसका सही आंसर होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं विच कंट्री चेयर्ड दी एशियन समिट इन 2023 2023 में एशियन शिखर सम्मेलन जो है वो आ, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है फटाफट पड़ से इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा योर आंसर विल बी डी दैट इज इंडोनेशिया इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है देखो एक तो आपका जकार्ता है ठीक है जकार्ता और एक और कैपिटल अभी अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम क्या था नुसाल्ट्रम ठीक है नुसाल्ट्रम था जिसको इंडोनेशिया का कैपिटल यहां पर बताया गया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर बताइए फटाफट से बताइए राघव आदिति प्रकृति वेरी गुड माई मदर uh, साक्षी लिजार्ड लिली ब्लैक डेवल ओके 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 सिग्मा

अभी इस पे टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे बिकॉज ये एक अलग से मैंने आज आज के ही सेशन में एक अलग से टॉपिक लिया हुआ है ब्रिक्स तो इस पे मैं आपको बताऊंगी कि अभी कौन कौन से यू uh, नो you know, चीजें इसमें इंक्लूड हुई हैं कब हुआ था कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सारी चीजें ब्रिक्स के बारे में अभी बताऊंगी ठीक है इसका आंसर यहां पर ब्रिक्स होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर वम्ड अलॉन्ग दी साइडलाइंस ऑफ विच समिट भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा

गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का मतलब देखो जैसे तुम लोग कुछ कोई भी चीज परचेस करते हो अमेजोन से परचेज करते हो या फिर फ्लिपकार्ट से करते हो या मिंत्रा से करते हो कहीं ना कहीं से तो करते हो ना तो जब भी जो प्रोडक्ट होता है उसका एक्चुअल प्राइस तो रहता ही है कुछ परसेंट जीएसटी रहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रहता है जो हमारी सरकार लगाती है उस पर ठीक है ठीक है और तो वो आपका जीएसटी हो गया तो वही होता है सो गुड जी ट्वेंटी पे अफ्रीकन यूनियन किया गया सही है व्हाट इज प्रोविजंस ऑफ विमेन रिजर्वेशन बिल अभी हाल ही में विमेन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया आपको बताना है इसमें से की प्रोविजन क्या है क्या की प्रोविजन है बताओ फटाफट फड़ से वेरी गुड आंसर विल बी डी ऑल ऑफ विमेन रिजर्वेशन बिल में क्या क्या किया गया इसमें 33% परसेंट रिजर्वेशन जो है हमारी जो महिलाएं हैं बेसिकली जो लोकसभा में हैं। आप सभी को बताएं लोकसभा इज द लोअर हाउस राज्यसभा एक अपर एक अपर हाउस है राज्यसभा इज अपर हाउस लोकसभा इज लोअर हाउस तो लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला ठीक है तो लोकसभा अभी थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को दिया गया है लोकसभा में साथ ही साथ हमारी स्टेट असेंबलीज में इसके साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि हमारी जेंडर इक्वेलिटी जो है मेंटेन रह सके हमारे विमेंस की कहाँ पर इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडीज में दूसरी चीज तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर ये रोटेट करेगा हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं जनरल इलेक्शन में यहां पर ये रोटेट करेगा तो ये चीज बहुत अच्छी चीज की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे विच ऑफ दी फॉलोइंग दॉट अम्बर ऑफ जी सेवेंटी सेवन बताओ ये इसका आंसर फटाफट से किसी का गलत नहीं होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा जी सेवन जी सेवेंटी सेवन का सदस्य नहीं है बताइए नमन प्रिया गौरव लिजार्ड लिली छोटू सिंह रिंकी मैम नारी शक्ति विधान बिल बाय अर्जुन राम मेघवती बिल्कुल फैक्ट uh, इंडीड आदित्य गर्ग ठीक है हु इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा आदित्य इज आस्किंग टेल यू ऑल टेल मोहम्मद प्रकृति मुकेश आर्या शिवानी ओके okay. बताइए आदित्य का एक क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा बताइए कमेंट में सभी लोग आंसर यहां पर क्या होगा आंसर विल बी यूनाइटेड स्टेट ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे Which of the following is ऑफ most रिसेंटली एडेड UNESCO यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एक मिनट निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हाल ही में जोड़ा गया UNESCO विश्व धरोहर है, रहेगाइज याद रखना अभी हाल ही में फोर्टी यू नो फोर्टी वन एंड फोर्टी सेकेंड यूनिस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड किया गया ठीक है अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका शांति निकेतन था रविन्द्रनाथ टैगोर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अभी हाल ही में शांति निकेतन एंड यहाँ पर जो आपका हौसला है टेम्पल इसको इंक्लूड किया गया अब देखो फोर्टी आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बना है शांति निकेतन शांति निकेतन ठीक है और आपका फोर्टी सेकेंड कौन सा है टेम्पल क्लियर एवरी वन ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है वेरी गुड आंसर यहां पर क्या होगा सीक्रेट असेंबलेंस ऑफ हॉइसिला ये फोर्टी सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया याद रखना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी अगर आप बात करो ये तो चलो फोर्टी आपका फोर्टी वन फोर्टी टू हो गया अभी हाल ही में थर्टी नाइन्थ थर्टी नाइन्थ और फोर्टी साइट को भी इंक्लूड किया गया था वो कौन सी थी कोई बताएगा मुझे कोई मुझे बताएगा यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मेगा अभी हाल ही में मतलब एक दो तीन साल में ही कुछ दो ऐसे और नाम थे जिस जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया वो आप बताइए लेकिन अभी अगर हम 2023 की बात करें तो एक तो हॉसिला हो गया और एक आपका शांति निकेतन है जिसको इंक्लूड किया गया ये दोनों साइड्स कौन कौन सी हैं कोई बताएगा इसका आंसर यहाँ पर होगा एक तो आपका रमप्पा टेम्पल था ठीक है रमप्पा ठीक है आपका रमप्पा टेम्पल था इसको इंक्लूड किया गया था और दूसरा हमारा क्या था ढोलावीरा ढोलावीरा गुजरात में ढोलावीरा ठीक है इसको यहां पर इंक्लूड किया गया था तो ढोलावीरा था और एक आपका रमप्पा था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर विल बी सी थीम uh, क्या है फोर्टी थर्ड एशियन समिट की एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम सेंटर ऑफ वर्ल्ड वी हैव डन दिस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट लॉन्च दी मोबाइल वैन प्रोग्राम टू प्रमोट दी नेचुरल फार्मिंग देखो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मोबाइल वैन कार्यक्रम जो है बेटा ये शुरू किया है बताइए बताइए इसका आंसर आंसर क्या होगा हियर विल बी बी हिमाचल हिमाचल प्रदेश। प्रदेश ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से से देखते हैं। निम्नलिखित कि में से किस राज्य ने हंड्रेड स्टेटस का यहाँ फ्री स्टेटस uh, का यहाँ पे दर्जा हासिल किया है मैंने आपको एक चीज बताई थी ओडीएफ क्या होता है ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या है ओपन डेफिकेशन फ्री क्या है बेटा ओपन डेफिकेशन ओपन डेफिकेशन फ्री क्लियर बात है अच्छा अब मैंने आपको एक चीज बताई थी ये जो ओपन डेफिकेशन फ्री है वो होता क्या है अक्सर क्या होता था ना गांव वगैरह में मतलब जैसे बहुत पहले के पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग लोटा लेके वन नंबर वन नंबर टू करने जाते थे है ना टॉयलेट और पॉटी करने जाते थे ना आ, मतलब आ, क्या बोलते हैं आपका लोटा वोटा लेके पहले के जमाने में लेकिन हमारी सरकार ने सोचा कि उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही थी खेत ओत में जाते थे लोग और उसकी वजह से बहुत बीमारियां पैदा होती थी ठीक है तो सरकार ने सोचा नहीं भाई हमको बहुत जरूरी है टॉयलेट बनाना क्योंकि हमारी महिलाएं सोचो जो प्रेग्नेंट वेमेंस थीं उनको भी बिचारियों को जाना पड़ता था जिसकी वजह से भाई साहब मतलब मैं एक आपको इंसिडेंट क्या ही बताऊं आई मतलब आई हैव नो आइडिया ऑफ दैट ठीक है तो uh, मतलब वो हम हमारी जो महिलाएं हैं उनको बाहर जाना पड़ता था और बहुत सारे जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बहुत इश्यूज उनको यह, यहाँ पे फेस करने पड़ते थे जिसकी वजह से हमारी सरकार ने सोचा नहीं भाई हमें टॉयलेट तो बनाना ही चाहिए टॉयलेट तो बनाना ही चाहिए इसीलिए ओपन डेफिकेशन यहाँ पे टॉयलेट बनाने की यहाँ पर प्रक्रिया जो है हर स्टेट में जो है यहाँ पर चालू की गई ठीक है है ना मैम अभी भी आ, यूपी में होता है कि नहीं आ हाँ देखो गुलशन सिंह कह रहे हैं ठीक <laughs> है चलो इसका आंसर आंसर पर क्या होगा ओपन ओपन फ्री कौन सा कर दिया गया है विल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार बाईस तेईस के अनुसार दो हजार तेईस चौबीस में भारतीय अर्थव्यवस्था के अपेक्षित विकास दर क्या होगा बताइए क्या होगा

टॉयलेट का निर्माण कर देंगे ओडीएफ फ्री स्टेटस हम यहाँ पे कर देंगे बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा ए दैट इज 2024 अभी 2024-25 तक हर एक स्टेट हर एक विलेज जो है हमारे इंडिया का वो वहां पे टॉयलेट्स का निर्माण हो जाएगा वो ओडीएफ ओडीएफ प्लस स्टेटस का दर्जा इसको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कभी कभी ये ये जो चीज है ये 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 उधर चला जाता है फिर इधर आ जाता है मतलब मुझे घूमना पड़ता है नेक्स्ट वन द इनोग्रल इंडिया ग्रैंड प्रिक्स फॉर दू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मोटोजीपी सीजन दो हजार तेईस मोटो जीपी सीजन के उद्घाटन भारतीय ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है फटाफट से बताओ किसने जीता है आंसर यहां पर होगा सी मार्को बेजिची मैंने आपको बताया था मार्को बेजिची राइट आंसर नेक्स्ट ऑफ दी दी फॉलोइंग इज एवर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एलोकेटेड इन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर केंद्रीय बजट दो हजार तेईस चौबीस में आवंटित निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय होगा आज शाम को सात बजे एक बिगेस्ट लॉन्च है हमारे सीयूटी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन चैनल पर इसी चैनल पर सभी लोग शाम को सात बजे उपस्थित हो जाएंगे एक बिगेस्ट लॉन्च है बिगेस्ट लॉन्च है हमारे सीयूटी अड्डा पर ठीक है सभी लोग आ जाइएगा कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए चलो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा योर आंसर विल बी ए दैट इज लाख करोड़

ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारे प्यारे भारत इंडिया के अंदर बताइए कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है एयरबस के साथ ताकि ये मैन्युफैक्चर कर सके ट्रांसपोर्ट हमारे इंडिया में तो किसी को पता है इसका आंसर क्या होगा आंसर विल बी ए टाटा एडवांस्ड सिस्टम टी एस एल इज द राइट आंसर क्लियर चलो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मोनाट्री पॉलिसी कमेटी

एक बहुत बड़ी बिगेस्ट न्यूज़ uh, है हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा यहाँ पे यू नो फ्री सीरीज यहाँ पे सी 2024 टी के लिए लॉन्च हो रही है स्वागत नहीं करोगे हमारा आज आज हो रही है तो सभी लोग इस सेशन में जरूर ज्वाइन करिएगा चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी थॉट के साथ तो हमारा जो एमसीक्यू सेशन है एक पार्ट पहला पार्ट इस सेशन का ओवर होता है अब हम बढ़ेंगे कुछ डिटेल्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने कर लिया है तो रिवाइज करोगे नहीं किया है तो पढ़ोगे ध्यान से सुनो सभी लोग एक बार सेशन को फटाफट फड़ से अपने अपने व्हाट्सएप अपने अपने टेलीग्राम हर जगह जिस जिस ग्रुप में हो एक बार शेयर कर दो फटाफट फड़ से फटाफट से शेयर कर दो गाइज व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक जहां पर भी एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो नाउ लेट स्टार्ट दिस नाउ अब हम यहां पर आते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल टॉपिक्स पर ठीक है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी सेवेंटी सेवन से जी सेवेंटी सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्यूबा है ना चलो आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में यहां पर देखेंगे जी सेवनटी सेवन ग्रुप ऑफ 77 सेवन ग्रुप ऑफ सेवनटी सेवन हमारे यहाँ पे मेंबर्स हैं आपके यूनाइटेड नेशन के जिसमें से वन थर्टी फाइव डेवलपिंग कंट्रीज शामिल हैं ग्रुप ऑफ सेवेंटी सेवन मेंबर्स जिसमें से आपकी वन थर्टी फाइव डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं इसमें शामिल हैं तो ये बेसिकली इनका काम क्या होता है ये यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमिक यहाँ पे जो कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट है साथ ही साथ जो हमारे जो, जो, मतलब कि क्या होते क्या दे क्या रणनीति बनानी चाहिए ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके ताकि हम आगे बहुत अच्छा ग्रोथ परफॉर्म कर सकें ठीक है हमारी कंट्री पीछे न रह जाए किस किस तरीके से हम अपनी कंट्री को इम्प्रूव करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इं टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो वो हमारा जी सेवेंटी सेवन यहां पर बताता है अगर हम जी सेवेंटी सेवन की आगे बात करें बेटा ये फाउंड कब हुआ था 15th of June. 15th of June, 1964 में हमारा जी अभी सेवन में वन थर्टी 135 हाँ अभी अभी हाल ही में 135 थर्टी फाइव मेंबर स्टेट्स हमारे शामिल हैं यहाँ पे जी सेवन में अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें सभी लोग ध्यान से सुनो हाँ, बिल्कुल सभी लोग ध्यान से सुनो अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें बेटा यूनाइटेड नेशन इसका है इसके साथ ही साथ क्या है टू तो प्रोवाइड अ फॉर फौर डेवलपिंग नेशंस टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ठीक है अब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पर ये प्रमोट करते हैं इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें हु इज यू नो हु मतलब अभी में कौन कर रहा है? तो इट्स क्यूबा 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 का कैपिटल क्या होता है फटाफट से बताओ क्यूबा का कैपिटल क्या है, है ना बताइए फटाफट से क्यूबा का कैपिटल क्या है चलो नेक्स्ट फटाफट से देखते हैं नाउ कमिंग टू दी जी ट्वेंटी थ्योरी एंड एमसीक्यूज एमसीक्यूज तो नहीं करेंगे एमसीक्यूज ऑलरेडी वी हैव डन इन एमसीक्यू पार्ट से रिलेटेड अभी हम जी ट्वेंटी की थ्योरी पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है चलो आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा रिविजन बस ये थोड़ा सा रिविजन सेशन है जो बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान से सुनो जी ट्वेंटी की बात करेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है इसलिए मत परेशान होना देखो जी ट्वेंटी बेटा ये आपका फॉर्म हुआ था नाइनटीन नाइन्टी नाइन में ठीक है जब आपका लेट आ, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो नाइनटीन में यहाँ पे जी ट्वेंटी को यहाँ पे फॉर्म करना पड़ा बेसिकली आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आपके ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर आ, आया था ठीक है तो मतलब अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये 1999 में इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया अगर हम एम की बात करें बेसिकली इसका एम क्या है ताकि जो हमारी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ठीक है जो हमारी मिडिल इनकम कंट्रीज़ है

बस सुनते रहो ध्यान से सुनो रिवीजन हो जाएगा नहीं प, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ाई की है तो अभी पढ़ लो एकदम ध्यान से सुनते रहो एकदम डिटेल में बता रही हूं ठीक है जी ट्वेंटी के मेंबर कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है ठीक है अब हमारी 19 कंट्रीज कौन कौन सी हैं अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया मेक्सिको रशिया सऊदी अरेबिया देन टर्की उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स उसके बाद अफ्रीका उसके बाद यूरोपियन यूनियन शामिल है अभी अगर हम यहाँ पे अगर हम आगे बात करें अगर हम आगे बात करें तो अफ्रीकन यूनियन को भी इसका परमानेंट मेंबर बना दिया गया है इसके साथ ही साथ अगर हम जी ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो इस बार आपका एटीन एडिशन था गुरुजी सीता अब एस एस सी में काम करती है अरे खुशी लव यू जी ट्वेंटी को याद करने की ट्रिक देखो खुशी ने बताई है कमेंट सेक्शन में गुरुजी सीता अब एस एस सी में काम करती है बिल्कुल बिल्कुल सही है गुरुजी सीता अब एफ F... गुरु सीता अब एफ सी में काम करती है बहुत सही चलो आगे बढ़ते हैं तो अगर हम एटीन एडिशन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आ, जो इंडिया इंडिया को जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी कब मिली है जी ट्वेंटी अभी हाल ही में जी ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हमारे इंडिया ने होस्ट किया है देखो जो बच्चे हैं ना लास्ट तक देखना क्योंकि इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे बेटा फोकस नहीं आ रहा है समझ में तब भी आप यहीं पर रहो ठीक है आपको सब समझ में आएगा एंड वॉच टिल दी एंड ठीक तो जी ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात की जाए तो इसमें 18th एडिशन है और इंडिया को अभी हाल ही में जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी मिली थी दिसंबर वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से लेके नवंबर थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक इज़ दैट क्लियर गाइज चलो अगर हम जी ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इस बार 17th एडिशन था जिसको इंडोनेशिया के द्वारा किया गया उसके बाद जी ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एडिशन था जिसको हमारे इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया जी ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर कौन करेगा ब्राजील करेगा 2025 कौन करेगा साउथ अफ्रीका करेगा आ गया समझ में चलो आगे बढ़ते हैं देखो जी20 जी20 2022 वाज डन बाय इंडोनेशिया ये आपके ये आपके इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था हाँ ये आपके इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था फिर इंडिया ने G20 2023 किया ब्राजील ने 2024 और साउथ अफ्रीका 2025 करेगा अगर हम बेसिकली आपके लोगों की बात करें जी ट्वेंटी का लोगो क्या है देखो आप ये आपका लोगो है यहाँ पे सैफ्रिन वाइट ब्लू एंड ग्रीन यूज किया गया है ठीक है अगर कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कौन सा कलर नहीं यूज किया गया तो इनके अलावा कोई कलर यूज नहीं किया गया तो ये चीज आपको यहाँ पे यहाँ यहाँ पे यहाँ तो ये ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है चलो अगर हम आगे बढ़ें तो ये चीज आपको यहां पर हो गया चलो इसके साथ ही साथ जो आपका भारत लिखा हुआ है देखो भारत ये लिखा हुआ है ना भारत भारत आपकी कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया ये आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखा गया है ठीक है चलो और इसका थीम क्या है जी ट्वेंटी का वसुदेव कुटुंबकम दैट इज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एजेंडा क्या है एजेंडा ये है कि हम यहाँ पे इंक्लूसिव एम्बिश एक्शन ओरिएंटेड और डिसिसिव हम यहाँ पे आगे जी ट्वेंटी पर काम करेंगे और फाइनल समिट आपकी न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व की गई सितंबर 2023 में इज़ दैट क्लियर तो ये चीज़ हुआ अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हाल ही में जी ट्वेंटी uh, कुछ हमारी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज थे लीडर्स थे जो यहाँ पे शामिल थे कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं देखो सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी ट्वेंटी में होस्ट थे शामिल थे उसके बाद अर्जेंटीना के अल्बर्टो फर्नांडिस प्रेसिडेंट थे जो जी ट्वेंटी में शामिल हुए थे क्या पूछ रहे ध्रुवी मैम अलग सेशन भी तो कराती हैं बेटा डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है एट एम पर सी यू टी अडर ट्वेंटी फोर सेवन चैनल पर सभी एग्जामिनेशन के लिए ठीक है तो सुबह आप आठ बजे ज्वाइन कर लिया करो और आ, क्या बोलते हैं कल हम यहाँ पर हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स परसों वीकली करंट अफेयर्स सुबह आठ बजे ठीक है क्लियर एवरी वन उसके बाद आपका वो है एक तारीख को संडे है कोई क्लास नहीं होगी फिर दो तारीख को गांधी जयंती है उस दिन भी कोई क्लास नहीं होगी मेरी फिर हम थर्ड को सीधे मिलेंगे ठीक है हाँ व्हाइट कलर भी इंक्लूड होगा बेटा इसमें ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया के एंटनी अल्बनीज आपके प्राइम मिनिस्टर थे तो जी में शामिल हुए थे उसके बाद ब्राजील के लुइस लूला डा सिल्वा ये भी आए थे भाई फिर उसके बाद कैनेडा के जस्टिन ट्रडयू ये भी आए थे फिर यहाँ पे चाइना के ली कुआंग आए थे प्राइम मिनिस्टर देन फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन प्रेसिडेंट हैं ये काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं तो ये आए थे उसके बाद जर्मनी के ओलफ इस्स चांसलर हैं ये शामिल हुए थे इंडोनेशिया की जोको विडोडो प्रेसिडेंट ये शामिल हुए थे इटली की जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर ये शामिल हुई थी जापान के थे बेटा जापान के फोमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर ये शामिल हुए थे उसके बाद मैक्सिको के एंड्रेज मैनुअल लोपेस ठीक है ये यहाँ पे शामिल हुए थे उसके बाद आगे बढ़ेंगे रशिया के सरगे लैवरोव फॉरेन मिनिस्टर हैं ये शामिल हुए थे फिर सऊदी अरेबिया के सलमान बिन अब्दुल सलमान सल्मा, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद किंग जो है सऊदी अरेबिया के ये शामिल हुए थे फिर साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा प्रेसिडेंट के रूप में शामिल हुए थे उसके बाद साउथ कोरिया के योन सुन प्रेसिडेंट ये शामिल हुए थे देन टर्की के रेसिप टाइप अर्डोगन ये प्रेसिडेंट है ये यहाँ पे शामिल हुए थे ठीक है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है शिवा वेरी गुड उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के ऋषि सुनक हैं हमारी इंडिया के दमाद हैं भारत के दमाद कौन है ऋषि तो ये हमारे आ, क्या बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम के ये शामिल हुए थे अरे हमारी सुधा मूर्ति है ना सुधा मूर्ति के दमाद ठीक है हाँ सुधा मूर्ति के और क्या नाम है और आ, आ, वो क्या नाम है इन, इन्फोसिस के वो कौन है फाउंडर कौन है नारायण मूर्ति उन्हीं की पत्नी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे आगे और कौन आया था यूरोपियन यूनियन के चार्ल्स माइकल आए थे यूरोपियन यूनियन से उर्सवरा वर लेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है ये यहाँ पे शामिल हुई थी ठीक है चलो ये तो हमारे मेंबर कंट्रीज हो गए जो हमारे यहाँ पे शामिल हुए थे नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारी गेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी थी देखो ध्यान से सुनो गेस्ट कंट्री कौन कौन सी थी बांग्लादेश बांग्लादेश की खूबसूरत महिला शेख हसीना ये आपकी यहां पे आई थी ठीक है मेंबर गेस्ट कंट्री गेस्ट कंट्री के रूप में और ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव थी यहाँ की जी ट्वेंटी की उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब दे फतेह हल सीसी ठीक है ये यहाँ पे शामिल हुए थे उसके बाद आपस में बात मत करो कौन कहाँ से है हर्षदा शुक्ला मैम स्ट्रेट जी के कब से शुरू होगा इसके इसी के बाद से डिटेल टॉपिक के बाद से स्टार्टिंग स्टार्ट करेंगे मॉरिशियस प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण कुमार जगन्नाथ नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रुते प्रेसिडेंट है बोला अहमद आपके टीनुबू टीनुबू तो ये यहाँ पे शामिल हुए थे ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो ओमान के हेड ऑफ स्टेट आए थे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हासन लियोंग, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो आए थे और यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन सयद अल नयन तो ये इस बार जी ट्वेंटी के यहाँ पे शामिल हुए थे गेस्ट कंट्रीज थी तो ये हमारे जी ट्वेंटी के बारे में सब कुछ डिटेल थी नाउ फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दो Clear? चलो आगे बढ़ते हैं नाउ अब हम बात करेंगे एशियन गेम्स 2023 की जो अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे ध्यान से सुनो सभी लोग। इस बार का एशियन गेम्स बेटा नाइनटीन एडिशन का एशियन गेम्स था ठीक है इस बार का एशियन गेम्स आपके नाइनटीन एडिशन का एशियन गेम्स है नाइनटीन एडिशन मतलब समझ लो अट्ठारह बार हो चुका है इस बार उन्नीसवीं बार है एशियन गेम्स उसके बाद ठीक है कब ऑब्जर्व किया जा रहा है 2023 में यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके बाद डेट क्या है कब से कब तक होगा देखो 23 सितंबर 2023 से लेके 8th ऑफ अक्टूबर 2023 23 तक ऑब्जर्व किया जाएगा होस्ट कंट्री कौन सी है इस बार की होस्ट कंट्री हमारी चाइना है चाइना चाइना इस बार एशियन गेम्स को होस्ट कर रही है ठीक है <laughs> रमाकांत पांडे वेन्यू की बात करेंगे कहां पर हो रहा है बेटा हॉन्जोंग चाइना में हॉन्जोंग ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर में आपका एशियन गेम्स ऑब्जर्व किया जा रहा है ठीक है उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 482 एटी टू इवेंट्स यहाँ पर होंगे स्पोर्ट्स कितने खेले जाएंगे 40 नंबर ऑफ डिसिप्लिन कितने हैं वन डिसिप्लिन मेन मेन पर्पज क्या है बेटा हर पूरे ऑल ओवर एशिया से मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे एथलीट्स के बीच में समझ में आ गई बात उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट इसके डब्ल्यू 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 डॉट हाउसाउन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू डॉट सी एन है चलो आगे बढ़ते हैं ये तो हो गया हमारा एशियन गेम्स उसके साथ ही अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो हमारी जो आ, इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव कौन है फ्लैग बियर कौन है हमारे इंडिया से हमारे इंडिया से हरमनप्रीत सिंह है हरमनप्रीत सिंह जो कि कैप्टन है आपके इंडियन हॉकी टीम के हरमनप्रीत सिंह बेटा कौन है ये आपके कैप्टन है ठीक है ये आपके कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के इन ये और साथ ही साथ हमारी हमारीना बोरगोइन ये आपकी ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर हैं इनको सेलेक्ट किया गया है इंडियन कॉन्टीजेंट से और ये हमारी फ्लैग बेयरर्स के रूप में नामित हुई हैं इज दैट क्लियर गाइज ठीक है इज दैट क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं अभी फोकस करेंगे लास्ट के दस मिनट्स आपके सारे डाउट लेंगे अभी फोकस करेंगे क्लास पर ठीक है चलो अब आता है हमारा ब्रिक्स टू सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड दी जी uh, कौन सा कंप्लीट किया हमने जी ट्वेंटी कंप्लीट किया है एशियन गेम्स और हमने कंप्लीट uh, कर लिया अब हम फटाफट -फड़ से बढ़ते हैं ब्रिक्स की तरफ देखो ब्रिक्स आप सभी को पता है ब्रिक्स इज अ फाइव मेंबर नेशन कंट्री ब्रिक्स हमारी फाइव मेंबर नेशन कंट्री होती है जिसमें कौन कौन सी है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से देखो uh, देखो ध्यान से सभी लोग देखेंगे ब्रिक्स ब्रिक्स ध्यान से देखेंगे देखो 2023 का बेटा जो ब्रिक्स समिट हुआ था ठीक है इस बार का 15th 15th एनुअल ब्रिक्स समिट ऑब्जर्व किया गया है एडिशन क्या है 15, 15th 15th एनुअल ब्रिक्स समिट को इस बार ऑब्जर्व किया गया है ठीक है याद रखना ठीक है और इसमें कौन-कौन से अभी कंट्रीज शामिल हैं ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका क्योंकि आप सभी को पता है ब्रिक्स

सिरिल रामापोसा आपके ब्रिक्स के आपके चेयरपर्सन थे उसके बाद जोनसबर्ग में वेरी गुड बेटा वेरी गुड जो में ऑब्जर्व किया गया था क्लियर है इस बार के ब्रिक्स समिट की हाइलाइट्स क्या थी क्या इंपॉर्टेंट था ब्रिक्स समिट में किसी को पता है इस बार बेटा सिक्स एडिशनल सिक्स एडिशनल मेंबर्स ब्रिक्स में इंक्लूड किए गए थे उनकी ट्रिक क्या है अर्जेंटली ईरान सी यू उनकी ट्रिक क्या है अर्जेंटली ईरान सी यू अब देखो कौन कौन सी अर्जेंटली अर्जेंटली में देखो अर्जेंटली में अर्जेंट ध्यान से सुनो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे हाईलाइट क्या है सिक्स एडिशनल मेंबर्स इंक्लूड किए गए ब्रिक्स में कौन से अर्जेंटली ईरान सी यू एक ट्रिक है देखो ध्यान से सुनो अर्जेंटली में अर्जेंट अर्जेंट का मतलब क्या होता है बेटा अर्जेंट का मतलब होता है अर्जेंटीना ठीक है उसके बाद क्या है उसके बाद ईरान उसके बाद क्या बेटा उसके बाद आपका ईरान है ठीक है ईरान का मतलब ईरान अर्जेंटीना के बाद कौन सी कंट्री है ईरान उसके बाद उसके बाद आपका क्या है C, uh, C में एस का मतलब क्या है सऊदी अरेबिया एस का मतलब क्या बेटा सऊदी अरेबिया क्लियर है सऊदी अरेबिया उसके बाद ध्यान से सुनो सभी ई का मतलब क्या है ई का मतलब क्या है ई का मतलब है आपका इथोपिया ई का मतलब क्या है इथोपिया ये ट्रिक बता रही हूं याद करने की ब्रिक्स में सिक्स एडिशनल कंट्रीज कौन कौन सी इंक्लूड की गई हैं ठीक है थीके? उसके बाद इसमें एक और ई है ई का मतलब क्या है इजिप्ट ई का मतलब क्या है बेटा इजिप्ट इजिप्ट ठीक है और यू का मतलब क्या है यू का मतलब क्या है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वेरी गुड अब इसमें यू का मतलब क्या है यू का मतलब है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यू या यहां पे छोड़ो यहां पे लिख देते हैं क्लियर है क्लियर है गाइस बताइए क्या क्या है अर्जेंटीना ईरान सऊदी अरेबिया इथोपिया इजिप्ट और यू क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा चंद्रयान थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार लाइक कर दो फटाफट -फड़ से सभी लोग सेशन को वेरी गुड वेरी गुड चलो चंद्रयान थ्री की बात करेंगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रयान थ्री में जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो क्या है ध्यान से सभी लोग देखेंगे देखो जो चंद्रयान थ्री है चंद्रयान थ्री चंद्रयान थ्री इसको लॉन्च किया गया था जुलाई फोर्टीन एट टू थर्टी फाइव पी जुलाई फोर्टीन एट टू थर्टी फाइव पी एम से सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो कि कहां पर है बेटा श्री में है श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा किया गया था इसरो के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर किया गया था ठीक है अगर हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रयान चंद्रयान थ्री की बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज ये जब आपका चंद्रयान टू लॉन्च हुआ था तो उसका टेक्निकल इशू की वजह से उसका फेलियर हो गया था तो इस बार चंद्रयान थ्री को यहाँ पर लॉन्च किया गया और ये पहुंचा कितने बजे था और कब पहुंचा था तो ये जो लैंडिंग हुई थी बेटा ये आपका ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑगस्ट को सिक्स फोर पी पर लैंडिंग हुई थी सिक्स फोर पी पर ठीक है क्लियर है गाइज इतना क्लियर है हाँ ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ देखो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अगस्त सिक्स को अनाउंस किया क्या अगस्त सिक्स को क्या अनाउंस किया कि ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑगस्ट को ट्वेंटी थ्री ऑफ ऑगस्ट को हम जो जो हमारे इंडिया का चंद्रयान थ्री लैंड हुआ है मून पर उसको हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे क्या मनाएंगे नेशनल स्पेस डे के रूप में यहाँ पर मनाया जाएगा उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि आ, जो आपका यू नो you know, आपका लैंडर आपका जहां पे लैंडर लैंड हुआ है मून पर उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे शिव शक्ति पॉइंट उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा शिव शक्ति पॉइंट क्लियर है उसके बाद चंद्रयान टू चंद्रयान टू जहां पर टच हुआ है जहां पे मतलब आया है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे आपका तिरंगा पॉइंट उस पॉइंट उस को क्या बोलेंगे आपका तिरंगा तिरंगा पॉइंट क्लियर है ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑगस्ट को क्या मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे जहां पे लैंडर आपका लैंड हुआ है टच uh, you know, विल विल हुआ था क्लियर एवरी वन तो उसको तिरंगा पॉइंट बोलेंगे चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट लैंडर वेट इज टू वन फोर एट चलो उसके बाद अब मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको पढ़ाया था चंद्रयान थ्री के बारे में भी आदित्य एलेवन के बारे आदित्य एलेवन इसरो नेक्स्ट एम इज वीनस थ्रू इट्स शुक्रयान मिशन ठीक है तो अभी हमारा चंद्रयान थ्री गया आदित्य एलेवन चला गया आदित्य एलेवन इज अ सोलर मिशन वो चला गया अब हम वीनस पे भी जाने को सोच रहे हैं वीनस में भी जाने को सोच रहे हैं और कौन सा मिशन रहेगा वो आपका क्या रहेगा बेटा शुक्रयान मिशन रहेगा शुक्रयान वन मिशन क्लियर एवरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार मतलब मैंने मैंने समझ लो इतने शिद्दत से ये सेशन बनाया हुआ है मैं क्या बताऊं बहुत मेहनत लगी है बेटा बहुत मेहनत चलो आगे बढ़ते हैं अब हम फटाफट -फड़ से देखेंगे एक चीज आ, क्या बोलते हैं आप चीज वो क्या है वो ये है कि स्टैटिक जीके के अब हम देखेंगे स्टैटिक जीके अब हम स्टैटिक जीके पे आते हैं फटाफट -फड़ से Second, एक बार फटाफट फड़ से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो एक बार फटाफट फड़ से सभी लोग एक बार फटाफट फड़ से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो गाइस स्टैटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके के एमसीक्यूज चलो सो गाइज वी है एमसीक्यू करेंगे आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है बहुत कुछ अभी नहीं भी पढ़ा है ठीक है बट कोई दिक्कत नहीं है इस सेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस स्टार्टिंग वाले सेशन से इस स्टार्टिंग वाले सेशन से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है वेरी गुड खुशी वेरी गुड एवरी वन चलो आगे बढ़ते हैं सभी को मैम हिंदी में भी क्वेश्चंस बताइए ना प्लीज ठीक है मैं हिंदी में पीडीएफ आपको दे दूंगी अभी इस पर फोकस कर लो क्लास पर समझ में आ जाएगा बहुत कुछ है नहीं मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना हिंदी में ही बोल रहे हैं बेटा चिंता ना करो समझ में आ जाएगा तुमको ठीक है आसान क्वेश्चन है और स्टार्टिंग के क्वेश्चन है तो अभी आ, हम आपको हिंदी में पीडीएफ दे, दे देंगे आई आई एम एम यू दिस ठीक है अभी फोकस कर लो मेरे हिंदी मीडियम वाले मेरे प्यारे बच्चों प्लीज थोड़ा फोकस कर लो मैं आपको हिंदी मीडियम में दे, दे देंगे पीडीएफ अभी आप फोकस कर लो इस पर ठीक है क्लियर चलो विजिबल है पहला कोई फटाफट से सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहीं से इंपॉर्टेंट है सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फटाफट से बताइए इसका आंसर पुटलेजर प्राइज प्राइज जो होता है बेटा ये किस क्षेत्र में दिया जाता है पुटलेजर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन फील्ड ऑफ पुटलेजर प्राइज बेटा प्राइज किस क्षेत्र किस में दिया जाता है, है? फटाफट -फड़ से बताइए बताइए आंसर इसका होगा सेकेंड आंसर विल बी सेकेंड आंसर क्या होगा सी लिटरेचर एंड जर्नलिज्म लिटरेचर एंड जर्नलिज्म की uh, या फील्ड में इसको दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी प्रेस, अभी प्रेजेंट में केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर्स कौन है अभी प्रेजेंट में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है बताइए फटाफट से हु इज द मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर बताइए मनसुख एल मांडविया मनसुख एल मांडविया आपके केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर हैं चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भीतर कनिका नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट भीतर कनिका नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है पीडीएफ डीएफ कहां मिलेगा सभी लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे कौन सी कम्युनिटी है हाँ अंडर ट्वेंटी फोर सेवन पर ट्वेंटी फोर सेवन के एप पर कम्युनिटी दिया होगा एक सेक्शन कम्युनिटी उसमें करंट अफेयर्स बाय वैशाली मैम जुड़ जाना करंट अफेयर्स बाय वैशाली मैम साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल है जीए बाय वैशाली मैम सभी लोग पर भी जुड़ जाएंगे ठीक है ठीक है सभी लोग यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे, जाएंगे। जी ए क्लियर है की कम्युनिटी है, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी बैच बेटा अभी ना सफलता बैच स्टार्ट हुई है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए संकल्प बैच लॉन्च हुई है और हमारे जो पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दक्ष बैच लॉन्च हुई है तीन बैच लॉन्च हुई है अभी बहुत टॉप बहुत क्लास नहीं हुए हैं पाँच छः चार, चार पाँच क्लास हुए होंगे हार्डली ठीक है अभी भी कुछ कुछ सब्जेक्ट के स्टार्ट हो रहे हैं तो अभी जिन्होंने नहीं परचेस किया है मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ जैसे कॉर्स रीजनिंग इंग्लिश अदर डोमेन के लिए देखो आपको सिलेक्शन लेना है आप इतनी मेहनत करके आ रहे देखो जितने भी बच्चे हैं देखो 224 ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स आफ वॉचिंग अभी 256 फिफ्टी सिक्स है टू टू टू, टू, टू सिक्सटी वन जितने भी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे देख रहे हैं ना सब मेरे लिए बहुत ही अनमोल हैं तो मैं चाहती हूँ कोई कसर ना रह जाए इसलिए फटाफट से जाके सफलता बैच जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है और इंग्लिश के लिए संकल्प हिंदी के लिए और दक्ष बैच पी के लिए कूपन जब आप परचेज करोगे ना अभी लास्ट के ये जो दिन चल रहा है क्या बोलते हैं ट्वेंटी एट ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी थर्टी ये मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर है इस पर मैक्म डिस्काउंट ऑफर इस समय चल रहा है कूपन कोड यूज करने पर वाई फोर फाइव फाइव देखो ये जो कूपन कोड है ना वाई फोर फाइव फाइव ये मेरा कूपन कोड है आप मेरे संरक्षण में आ जाएंगे तो वाई फोर फाइव फाइव कूपन कोड आप सभी लोग यूज़ करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिख लो इसको स्क्रीन शॉट दे लो साथ ही साथ आ, क्या बोलते हैं और जैसे टेस्टी वो बुक्स परचेज करना है सिर्फ बुक्स करना है तो वाई फोर फाइव फाइव एस वाई फोर फाइव फाइव एस इसको आप <coughs> यूज कर लीजिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भीतर कनिका नेशनल पार्क किस स्टेट में है हम सभी को पता है कहां पर है बेटा ये में है ठीक है में और कौन कौन से हैं नामेरी है ना है है ना चलो द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज इजिप्ट का कैपिटल क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट आप सभी को पता है इजिप्ट का कैपिटल क्या है कैरो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखें हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान इज दवर्नर ऑफ राजस्थान हु इज दी गवर्नर ऑफ राजस्थान बताइए फटाफट से हु इज दी प्रेजेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान राजस्थान का प्रेजेंट गवर्नर कौन है बताओ हु इज दी प्रेजेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान प्रेजेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन है बेटा बहुत आसान है बहुत आसान श्री कलराज मिश्रा श्री कलराज मिश्रा वेरी गुड नेक्स्ट द बुक द ड्रिंकर्स इज एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है बेटा द ड्रिंकर्स इसके ऑथर कौन है बताइए फटाफट फ़ड़ से इसके ऑथर कौन है आंसर विल बी सिक सी सगारिका घोष इंपॉर्टेंट है ये सीयूटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है सीयूटी 2022 ठीक है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अ पब्लिक स्पोर्ट एयरपोर्ट लोकेटेड इन लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री आपका एयरपोर्ट है ये कहां पर लोकेटेड है फटाफट से बताओ लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पब्लिक एयरपोर्ट है कहां पर लोकेटेड है बताइए कहां पर लोकेटेड है गाइस कहां पर लोकेटेड है आज हम ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इसके करेंगे और आ, फिर उसके बाद जो जो नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन कब करेंगे नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जब आपका नेक्स्ट मंथ करंट अफेयर्स होगा उसमें तो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं याद रखना बिल्कुल चलो इसका आंसर बताइए फटाफट से, फड़ से। हु इज़ दी हु इज़ दी आ, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है गाइज ये आपका स्थित है आपके वाराणसी में वेरी वेरी इजी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है चेंज हाँ, बताओ पड़ से बताओ फटाफट से हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया बताइए आंसर यहां पर क्या होगा आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सी अबेल मस्जिद तेबोन अब मस्जिद द गवर्नर ऑफ सिक्किम सिक्किम के गवर्नर कौन है फटाफट से बताओ आई नो आपको नहीं आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी सेशन में बने रहो क्योंकि इसके बाद हम बजट करने वाले हैं सिक्किम के गवर्नर सिक्किम के गवर्नर कौन है ये आपको आना चाहिए बेटा आसान है बिल्कुल बिल्कुल कौन है गवर्नर देखो गवर्नर इसमें से कोई नहीं है चेंज हुए हैं लक्ष्मण आचार्या ठीक है लक्ष्मण आचार्य गंगा प्रसाद नहीं है बेटा लक्ष्मण आचार्य हैं गवर्नर ऑफ सिक्किम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द बुक एक बुक लिखी गई है जिसका क्या है टाइटल एक बुक लिखी गई है गाइस जिसका टाइटल है द आई डू आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड हैज बीन पेंड किसके द्वारा पेन किया गया है फटाफट फड़ से बताइए किसके द्वारा पेन किया गया गाइस इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा ये जो बुक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक आंसर यहाँ पर क्या होगा रघुराम राजन फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रघुराम राजन के द्वारा ये बुक लिखी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट फड़ से

ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखो गिरना डैम गिरना डैम पर है <coughs> गिरना in which of the following state. गिरना डैम डैम किस स्टेट में स्थित है? बताइए फटाफट फ़ड़ से कौन बताओ यार अब हम इसको हम थोड़ा सा तेजी करेंगे हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है <coughs> वर्ल्ड हिंदी दिवस वर्ल्ड की बात हो रही है इंडिया नहीं टेंथ ऑफ जनवरी टेंथ ऑफ जनवरी ठीक है वर्ल्ड हिंदी डे की बात हो रही है बेटा नेक्स्ट सरस्वती सम्मान इज गिवेन इन विच फील्ड सरस्वती फिफ्टीन सेन सेप्टेंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं सरस्वती सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है सरस्वती सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है फटाफट -फड़ से बताओ लिटरेचर की फील्ड में ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चंदौली नेशनल पार्क चंदौली नेशनल पार्क इज वन ऑफ पॉपुलर पार्क इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट दंदौली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है गाइस नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र में स्थित है महाराष्ट्र में ठीक है चलो next. नेक्स्ट नियर विच सिटी इज द ककरा पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड कौन सी सिटी में ककरा पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपका लोकेटेड है बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होगा सूरत सूरत कहां पर है बेटा गुजरात के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ गोवा गोवा के गवर्नर कौन है बताइए फटाफट से गवर्नर ऑफ गोवा गोवा के गवर्नर कौन है गाइस गोवा के गवर्नर कौन है पीएस श्रीधरन पिलाय पीएस श्रीधरन पिलाय नेक्स्ट क्वेश्चन ओटावा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री कैनेडा ओटावा डी आंसर सही होगा आंसर विल बी डी ओटावा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री आंसर विल बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट फड़ से सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इज अ क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड इन विच सिटी सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है बताओ फटाफट फड़ से सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है बेटा ये आपके राजकोट में है राजकोट ठीक है चलो नेक्स्ट श्री रंगा स्वामी श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल कहां पर स्थित है श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल कहां पर स्थित है बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर विल बी डी दैट इज तमिलनाडु आंसर विल बी डी दैट इज तमिलनाडु ठीक है मैम ये क्वेश्चन की पीडीएफ इंक्लूड कर दीजिएगा हाँ बेटा पक्का डन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट -फड़ से बताओ द कानन जूलॉजिकल पार्क इज अ 400 हंड्रेड हेक्टेयर जू एंड एंड बोटानिकल गार्डन इन विच स्टेट कानन जोलॉजिकल पार्क कहां पर है आपके ओडिशा में स्थित है यह आपके बेटा ओडिशा में स्थित है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इज तेलिन इज अ कैपिटल ऑफ विश कंट्री तैन जो है बेटा तेलिन जो है कहां का कैपिटल है तेलिन कहां का कैपिटल है यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तैलीन कहां का कैपिटल है, है बेटा एस्टोनिया नेम गवर्नर ऑफ बिहार बिहार के गवर्नर कौन है <clears throat> राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर बेटा बनावरी कोई नहीं है इसमें से राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ठीक है चलो तो तुम्हारे ये सारे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग जीके के भी ओवर होते हैं ठीक है जो मेरा आज का टारगेट था कि मुझे पच्चीस क्वेश्चन कराने थे साटी जीके के। मैं एक बार चेक करना चाह रही थी कि क्या आपको कितना आपको अवेयरनेस है अभी ठीक है चलो सो so, आज के सेशन में हमने यहाँ पे एम सेशन ओवर कर लिया है ठीक है करंट अफेयर्स का और उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स uh, के बारे में बात की है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हमने उसके बाद हमने स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया अब हम पढ़ते हैं यूनियन बजट की ओर मैं आपका बस दस मिनट टाइम लूँगी दस मिनट और क्लास चलेगी और यूनियन बजट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो मुझे आज बतानी है तो मुझे थोड़ा सा समय और दे दो बस ठीक है उसके बाद उसके बाद आप लोग सब लोग फिर ये क्लास ओवर हो जाएगी ठीक है तो यूनियन बजट आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं यूनियन बजट पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको यहां पर देख लेते हैं फिर क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं ठीक है कोई बात नहीं शिवानी आएंगे धीरे धीरे सब आएगा पढ़ते जाओ सब आएगा ठीक है चलो इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट हम थोड़ा सा यहां पर देखेंगे आ, उससे पहले हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे एंड व्हाट इज यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है यूनियन बजट क्या होता है ध्यान से सभी लोग देखना ध्यान से सभी लोग देखेंगे हमारा इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है यूनियन बजट क्या होता है देखो फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी प्यारी सी मम्मी है ये तुम्हारी प्यारी सी मम्मी है कितनी सुंदर है ध्यान <laughs> 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 से सुनो ध्यान <laughs> से सुनो ये तुम्हारी मम्मी है ठीक अब क्या हुआ कि ये 2022 है मान लो 2023 है और 2024 है ठीक है तो देखो ये तुम्हारी मम्मी 2023 में अभी अभी है ठीक है 2023 में अभी है अभी हम 2023 की बात कर रहे हैं ठीक है जो पहले जो अगर सबसे पहले समझो सारी चीजों को साइड करो सबसे पहले समझो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ठीक है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू फर्स्ट ऑफ अप्रैल से लेके थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है कब से कब तक बेटा फर्स्ट ऑफ अप्रैल फर्स्ट ऑफ अप्रैल से लेके थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है अब इस वित्तीय वर्ष में क्या है कि इस वित्तीय वर्ष में बहुत सारी चीजें होती हैं आपको भी बताते हैं ये बस इतना जानो कि फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च होता है ठीक है ये तुम्हारी मम्मी है ये 2023 में अभी हम 2023 की बात कर रहे हैं मम्मी ने पिछले साल तुमको कितना रुपए दिया था मम्मी ने पिछले साल तुमको सौ रुपए दिया था दिया था मम्मी ने सौ रुपए अब दो फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक तुमने उस सौ रुपए को कितना यूटिलाइज किया कितना यूटिलाइज किया मतलब कहा, कहा तुमने स्पेंड किया तुमने पढ़ाई पर लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया कहा, कहा लगाया तुमने पूरा लगा, क्या कहा कहा लगाया वो तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे बताता है मतलब लास्ट का का ईयर तुमने पैसे को कहा, कहा इस्तेमाल किया है वो तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे बताएगा लेकिन आने वाले समय में कमिंग ईयर्स में तो अब मान लो मम्मी तुम फिर जो मतलब तुमने इकोनॉमिक सर्वे अगर की बात करें तो मम्मी तुम्हें मम्मी ने तुम्हें सौ रुपए दिया था दिया था कि नहीं दिया था मम्मी ने तुम्हें सौ रुपए दिया था तुमने कैसे कैसे यूज किया पूरे लास्ट के एक साल में और तुम्हारे पास बचा अस्सी रुपए बीस खर्च किया मम्मी हो गई खुश मम्मी ने तुम्हें आने वाले बजट में और तुम मालूम मम्मी ने तुमको खुश होकर और तीस रुपए दे दिया तो एट नाइन टेन इलेवन एक सौ दस रुपए तुम्हारे पास हो गए अब तुम आने वाले साल में एक सौ दस रुपए को कैसे यूटिलाइज करोगे वो तुम्हारा बजट बताता है ठीक है पिछले एक साल में कैसे यूटिलाइज किए हो वो तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे बताता है किसी चीज यूटिलाइज पैसे को, पैसे को किस किया वो तुम्हारा क्या बताता है इकोनॉमिक सर्वे लास्ट के वन आने वाले वन ईयर में किस तरीके से यूटिलाइज करोगे वो तुम्हारा बजट बताता है तो हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन उन्होंने फर्स्ट ऑफ फेब को बजट को पब्लिश किया पांचवी बार बजट पब्लिश हुआ था ठीक है इस बार और याद रखना इसमें क्वेश्चन क्या बनता है हु प्रेजेंटेड दी बजट तो आपकी निर्मला सीतारमन आपके बजट को पब्लिश करती हैं उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कौन कौन से सेक्टर्स में हमने बजट को आ, अभी आ, यहाँ पे पेश पेश करेंगे तो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे रेलवे कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होम अफेयर्स रूरल डेवलपमेंट केमिकल फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन में इतने 5.94 2.70 तो ये ये सारे बजट है लाख करोड़ में है जिसको यहाँ पर किया गया है ठीक है मम्मी ने कटिंग करा ली बाल की हाँ 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 बिल्कुल चलो तो ये चीज हो गई अब इस बार के यूनियन बजट में हमारी सेवन प्रायोरिटीज हैं कौन कौन सी सेवन प्रायोरिटीज हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है समावेशी विकास सबका साथ सबका विकास ठीक है रीचिंग द लास्ट लास्ट माइल का मतलब है जो जो में आखिरी लाइन में लाइन लाइन में में जो आखिरी आदमी हूं उसको भी सुविधा पहुंचनी चाहिए उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह है उस पर हमने कैस किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसके बाद आता है अनलिशिंग पोटेंशियल मतलब हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है उसको हम पूरा यूटिलाइज करें फिर ग्रीन ग्रोथ का मतलब होता है कि हम आस पास के एनवायरमेंट को क्लीन रखें फाइनेंशियल सेक्टर में मतलब जो हमारा वित्त जो सेक्टर है जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी हमारा स्टेबल रहे और हमारी जो यूथ की पावर है वो भी हमारी यहाँ पर मेंटेन रह सके तो ये चीज हमारा जो है आ, इस बार का हमारे बजट का पूरा हमारा पूरा सेवन प्रायोरिटीज थी अमृतकाल का बजट पब्लिश हुआ है इस बार ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आएंगे देखो फालतू वादे में नहीं करनी है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए उतना हम यहां पर देख लेंगे और यस yes. रुपी कम्स फ्रॉम कहां से पैसा आता है आप सभी को पता है पैसा इनकम टैक्स से आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है कॉरपोरेशन टैक्स से आता है गुड सर्विस टैक्स आता है आपके नॉन टैक्स रेसिप से आता है बोरो और अदर जो हम लोग बोरो करते हैं वहां से आपका आता है उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर्स मतलब कहाँ कहाँ जाता है पैसा कहाँ आता कहाँ से जाता कहाँ से वो दिया है इसमें बजट में जाता कहाँ है जो आपके यू नो आपके टैक्सेस होते हैं वहाँ जाता है फिर आपके फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जाता है डिफेंस में जाता है सब्सिडीज में जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में यहाँ यहाँ पैसा चला जाता है आता है तो चला जाता है ठीक है ये सारी चीज़ें बजट में यहाँ पर बताई गई थी क्लियर है बताओ

उसमें हमने क्या किया आज के सेशन में हमने एमसीक्यू किया करेंट हमने क्या किया ध्यान से सुनो जाना मैं दो मिनट और समय लूंगी बस सिर्फ टू मिनट्स ओनली टू है पहला चीज हमने क्या किया करंट अफेयर्स के एमसीक्यू किए दूसरा हमने क्या किया हमने यहां पर uh, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किया फिर हमने स्टैटिक जीके के एमसीक्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस किए और फिर हमने बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पर बात की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो आज का सेशन पूरा अब यहीं पर समाप्त होता है कल आपका करंट अफेयर्स की क्लास सुबह होगी ठीक है तो कल सुबह आठ बजे देख लेना फिर आपको परसों वीकली करंट अफेयर्स है तीन तारीख को फिर उसके बाद हम सीधे तीन तारीख को मिलेंगे ठीक है आई विल बी गोइंग माई गोइंग टू माई होम सो आई विल नॉट टेक क्लास फॉर टू डेज फर्स्ट और सेकंड को क्लास नहीं होगी फिर थर्ड को सीधे थर्ड को आना सुबह आठ बजे तरीके से, और हम फिर फिर आ, सारे जी के करंट अफेयर्स जैसे करते हैं वैसे करते आएंगे डेली डेली में साथ ही साथ गाइस सफलता बैच सफलता बैच इंग्लिश मीडियम की बैच है जो स्टार्ट हो चुकी है ठीक है आपको फटाफट से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ क्या करना है देखो कूपन कोड ये कर लो ये आपका लाइव बैच का कूपन कोड है जो यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लास्ट के दो दिन में ऑफर है तगड़ा ऑफर है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर है तो ये कोड आपको स्क्रीन ले लीजिए ठीक है लव यू ऑल गाइज लव यू ऑल लव यू एनर्जी तो रहती है तुम्हारी वैशाली मैम में है, है ना थोड़ा आउट ऑफ माई रिस्पेक्ट दो मिनट का समय लूंगी बस देखो सबसे पहले क्या करना है आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लॉन्च की गई है सफलता बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए संकल्प बैच पीजी वालों के लिए दक्ष बैच तो सभी लोग अडर ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप को डाउनलोड करेंगे ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लिया लॉग इन कर लिया स्टोर सेक्शन में जाना लॉग इन करने के बाद अंडर ग्रेजुएट में सीयूटी सेलेक्ट करना है फिर स्टोर सेक्शन में जाना है स्टोर सेक्शन में, में जाओगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा सी ऊटी महापैक सी यू टी साइंस डोमेन कॉमर्स डोमेन आर्ट्स डोमेन लैंग्वेज जनरल टेस्ट हिंदी हिंदी और आपका हिंदी के लिए भी जनरल टेस्ट और सीयूटी पोस्ट ग्रेजुएट ठीक है सबसे पहले हम एक बार आते हैं स, सफलता बैच पर देखिए सफलता और अच्छा अच्छा एक चीज और है महापैक एक जो चीज होती है ना महापैक में आप 2024 तक किसी भी बैच में आ, मतलब आप 2024 तक 24 तक जितनी भी बैचेस यहाँ पे चलेंगी सब में एनरोल कर सकते हो महापैक में सबसे फायदा ये होता है कि 2024 तक जितनी भी बैचेस चलेंगी सब में एनरोल हो हो सकते हो। दो, एक, एक साल के लिए तुम्हें पर टेस्ट सीरीज भी होंगी सब होंगी तो महापैक के लिए भी सेम कूपन कोड यूज करना है वाई ठीक है किसी को महापैक परचेज करना है तो दैट्स वेरी गुड अब लेकिन किसी के पास थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ मनी है महापैक नहीं कर पा रहा है तो तीन चार महीने की एक कोर्स है ये आपकी सफलता बैच आ, ठीक है सफलता बैच है गाइस फटाफट फड़ से आपको क्या करना है आपको इसमें आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा ठीक है सब कुछ मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट रहता है तो आपको क्या करना है ब, आ, बाई नाउ पर जाना है दो दिन का मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है ठीक है कूपन कोड यूज करो वाई फोर फाइव फाइव वाई फोर फाइव फाइव और आप अप्लाई कर दोगे अप्लाई कर दोगे गाइस तो अभी आ, ये 6639 का पड़ेगा इसमें तुम्हारा इंग्लिश जनरल टेस्ट डोमेन सब इंक्लूडेड है यही सेम आर्ट्स और आर्ट्स और कॉमर्स के लिए भी है फिर उसके बाद आपको अगर इंग्लिश जीटी लेना है तो इंग्लिश जीटी पे भी जा सकते हो इंग्लिश जीटी जनरल टेस्ट इंग्लिश में भी इसमें भी सफलता बैच है गाइस ठीक है सेम कूपन करके आपको ये जो दिया हुआ है ना मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो कोई भी बैच परचेज करनी हो फटाफट -फड़ से आपको जाना है अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के स्टोर पर और वहां पर आप बैच परचेज कर लेंगे ठीक है लाइव बैचेस के लिए यूज कूपन कोड वाई फोर फाइव फाइव बुक्स के लिए वाई फोर फाइव फाइव एस बुक्स के लिए वाई फोर फाइव फाइव एस ठीक है तो ये चीज आपको ये बस यहाँ पे एस लगा देना बुक्स हो जाएगा वाई फोर फाइव फाइव एस एस लगा देना बुक्स के लिए हो जाएगा तो ये कूपन कोड है जो आपको यूज करना है साथ ही साथ आज आपका एक बैच लॉन्च है बहुत इंपॉर्टेंट बैच लॉन्च है ठीक है बैच कैरियो लॉन्च है बैच सॉरी बैच नहीं लॉन्च है एक एक आज हम लॉन्चिंग कर रहे हैं बैच बैच वॉच नहीं लॉन्च होगी एक हम लॉन्चिंग करेंगे सीओठी अड्डा पर और बहुत धुआधार तरीके से आज शाम को तो सभी लोग उस सेशन में जरूर ज्वाइन करिएगा ठीक है इंपॉर्टेंट सेशन है लॉन्च का अब चलो सारी बातें को साइड करते हैं सेशन कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर 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 बताइएगा ठीक है थैंक यू म्यूजिकल आयुष थैंक यू सो मच गिव योर लव इन कमेंट्स आई वांट योर लव इन कमेंट्स ठीक है और लाइक कर देना सेशन को मिलते हैं कल आठ बजे थैंक यू एवरीवन लव यू ऑल और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो ना इसीलिए मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ अतः मेरा मन करता है कितना हम अपने बच्चों को दे दें जो एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है और मेरी तरफ से हंड्रेड रहेगा आई और यू आपकी तरफ से भी हंड्रेड रहना चाहिए ठीक है चलो Thank you everyone. Love you all. Bye bye. Jai Hind.